बागदेवी ट्यूटर को आज मुझे पुणि थे स्वागत जनाऊँ पाने आज क्लास मु तुमको सरल सह समीकरण बुझाइबि तेणु जो मैंने पुणि थे बुझा चाहते से मैंने भल भाव बुझीपर एवं जेहेतु परीक्षा पाखि आसे यह मत रिविजन तुम्हारा हो चाहते पाने डेरी नक क्लास को आरंभ करवा तेनाली तुम्हें जाथ तुम्हें षष्ठ सप्तम क्लास रु हिं पढ़ी थी मुझे गोटे देवी समीकरण 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 ताले एठे तुम एक्स मान बाहर करो जदि मुझे कह तुम्हें कौन कर ना ये 2x रखिल 4 टा बुट गले 8 माइनस 4 मान 4 है 2x इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू के हम ना 4 बाय 2 इक्वल टू 2 हो गला ताले एटा तुम्हें जानी छो ठीक सेमिति आमे एठारे सरल सह समीकरण पढ़िबा बुझेल से समीकरण उपर देख सरल सह समीकरण तेणु एटा गोटे जिनस लक्ष्य कर जदि आम समस्त जाने जे अज्ञात राशि कौन माने जो राशि कौन सी मूल्य आम जान था आम कहे अज्ञात राशि तेणु एठा जदि आम देखा सरल सह समीकरण जदि देखा तेल धर जाऊ एक्स वाई जेड एगुड़िक गोटे गोटे अज्ञात राशि व्हाई बिकज वी नो आम जानचे जे यार मानते एक्स आउ वाई एगुड़िकर कौन सी प्रकार मूल्य आमको ज्ञात ना जाना ना तेणु एगुड़ी होती अज्ञात राशि जदि पे एक्स को गोटे अज्ञात राशि नेबी एक्स एक अज्ञात राशि एक्स को जदि मानक मुझे अज्ञात राशि नेबी ताल सरल सह समीकरण साधारण रूप हे ए एक्स प्लस बी इक्वाल टू जीरो केत हम ना ए एक्स प्लस बी इक्वाल टू जीरो एठारे कह ना गोटे सर्त हम जे ए नॉट इक्वाल टू जीरो मीनस कौन ना यार अर्थ है जे ए जीरो सहित सामान होना एठारे एटा हूँ कौन ना एक्सर सहग एवं बीटा हो गोटे ध्रुवक राशि एवं एटा आ बीटा हूँ कौन ए बी दुईटी बास्तव संख्या कौन कि पे दुईटी बास्तव संख्या बुझेल ना बुझेल देख एठारे तुम्हें कह चौथे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एटा कौन ना साधारण रूप कौनटा ना साधारण रूप कार ना सरल सह समीकरण एटा हूँ साधारण रूप कौटा ना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एठारे जोटा गोटे सर्त रे ए नॉट इक्वल टू जीरो एटा हम एक्सर सहग बीटा हम गोटे ध्रुवक राशि मान कौन दुई तीन चार पाँच छः एगुड़क हूँ गोटे गोटे ध्रुवक राशि एवं ए आउ बी ए आउ बी दुईटी बास्तव संख्या अटंती बुझेल एवं आउ कथा पे जदि मुझे समाधान करी क्या समाधान करी ना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो को जब समाधान करी समाधान के देखिए आम एक्स रहा बीट आर बुट गले कौन हो माइनस बी हो कहीं प्लस हो आर बुट गले कौन हो माइनस हो एक्स इक्वल टू के ना माइनस बी बै ए हे आंसर के माइनस बी बै ए हे तेरे समाधान के माइनस बी बै ए हे बुझेल तेल यही तुम्हें पूरा आराम बुझे किसी कह कि डाउट नाला तर थोड़ा नेक्स्ट मुझे बुझाऊँ देख ताले पे एठा गोटे जिनस लक्ष्य कर ये तो बुझल तापर आउ गोटे कथा देख जदि आम एक्स को नहीं गोटे अज्ञात राशि जदि आम दुईटा अज्ञात राशि नवा एक्स गोटे नवा आ गए वाई कौन दुईट अज्ञात राशि ना ना एक्स गोटे अज्ञात राशि वाई गोटे अज्ञात राशि बिकज आम यार कौन सी प्रकार मूल्य आम जाणिना मानते ज्ञात ना तो एठ लक्ष्य कर जदि दुईटा अज्ञात राशि ना तेल आमको दुईटा समीकरण ना पड़ा कौन हो ना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एवं आउट हम ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू
जीरो एवं पाने लक्ष्य कर एटार कौन हम ठीक सेमती प्रथम तुम्हें बुझेली ठीक सेमती एटार ए वन हो कौन ना एक्स सहग बी वन हो वाइर सहग एवं सी वन हो ध्रुवाकन राशि ए वन बी वन आ सी वन गोटे गोटे बास्तव संख्या अटंती एठार मध्य ए वन नॉट इक्वल टू जीरो हम ठीक अच्छे ए वन आउ बी वन नॉट इक्वल टू जीरो हम एटे बुझेल ठीक सेमती एठार ए टू आउ बी टू नॉट इक्वल टू जीरो हे एवं ए टू बी टू सी टू गोटे गोटे बास्तव संख्या अटंती ए टू हूँ एक्स सहग बी टू हूँ वाइर सहग एवं सी टू हूँ गोटे ध्रुवक राशि बुझेल तेणु जदि आम देखा पे जामेतिक परिप्रकाश से आम जाना बुझेल ये बुझी किसी डाउट न थोड़ा तो देखिए आम सरल सह समीकरण जामेतिक परिप्रकाश तेल आम जामेति ताको परिप्रकाश करने ठीक सेमती ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो आउट समीकरण हो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो ये बुझे तेणु एटार कौन सर्त रो सर्त गुटा तुम्हें पढ़ेली हेनुका जे ए वन आउ बी वन नॉट इक्वल टू जीरो हो सी वन हूँ गोटे ध्रुवक राशि आउ ए वन बी वन सी वन गुड़िक हूँ गोटे गोटे बास्तव संख्या ठीक सेमती एठार मत ठीक सेमती हम तार लक्ष्य कर एवं आउ एठार कौन ना ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो एथे कौन हम ना ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हे माने एटा माने ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो माने कौन ना ए वन आउ बी वन दुटा मिसिकी शून संगे सामान है एठार अर्थ है ए टू आउ बी टू मिसिकी शून सहित मानने सामान है ये बुझेल तेल एथर देख आम चित्र कर लेखचित्र कर देख तीन टा लेखचित्र प्रथम देख है लक्ष्य कर एटा भल भाव ताले पिला माने किस चित्रटा एभले भाबरे एठरा कहबो ना एठा देखि पडथुओ जे एल1 आउ एल2 परस्पर को गोटिए बिंदु रे छेद करछन्ती गोटिए बिंदु रे छेद करछन्ती तने एठरा हबो जे एल1 ओ एल2 परस्पर छेदी एवं एठा लक्ष्य करबथुओ जे एल1 आउ एल2 दय गोटिए सरल रेखा पर अछन्ती दुटांग एटा हूँ एल टू एटा हूँ एल वन देख पार्थ गोटे सरल रेखा पर अच्छा तेणु एल वन ओ एल टू एक ओ अभिन्न बुझेल एवं एठा देख एठा देख पार्थ एल वन आउ एल टू परस्पर कौन होती समांतर होती एल वन ओ एल टू समांतर समांतर अटंती एल वन आउ एल टू सरल रेखा दे समांतर अटंती तेल तुम्हें जिते बड़े समाधान कर उत्तर बाहर कर क्वेश्चन गुड़ा सल्व करते जदि एमती बाहर मानने जदि एल वन आउ एल टू परस्पर छेदी हे तार अर्थ है जे समाधान गोटे बाहर कौन बाहर ना समाधान गोटे बाहर है बाहर ना समाधान गोटे बाहर आउ अधिक बाहर एवं यार अर्थ कौन एल वन आउ एल टू एक अभिन्न मान कौन ना समाधान असंख्य बाहर कौन समाधान असंख्य बाहर बा असंख्य समाधान बाहर एवं एल वन आउ एल टू समांतर अर्थ कौन ना एथिरे समाधान नाही माने किछि भी समाधान बाहर नाही समाधान हेबो नाही बा से समाधान नाही ना बुझिलोनी
ବୁଝିଲ ଟି? ତେଣୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଥିଲା ଲେଖଚିତ୍ରରେ, ଲେଖଚିତ୍ରରେ କେମିତି କରିବ ସମାଧାନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମର, ତାପରେ ଆପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ରହିଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ବୁଝେଇଛି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି, ଯେଉଁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥର ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ, ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ଯେଉଁ ରହିଛି କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ଯେଉଁ ସୂତ୍ର, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ଇଏ ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ହେବ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ, ବୁଝିହେଲ? ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଲେଖିଦେଉଛି ଭେକ ଭଲ ଭାବରେ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ। ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ପରସ୍ପର ଛେଦି, ପରସ୍ପର ଛେଦି ମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କରିଥିଲି ଏମିତିଆ ଚିତ୍ର ମନେ ଥିବ ନା ମନେ ନାହିଁ, ଏ ଚିତ୍ରଟା ବୁଝିହେଲ? ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମାନେ ସମାଧାନ କେତେଟା ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ, ମାନେ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ବୁଝିହେଲ? ଏଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନା ବୁଝିଲଣି, ଏତିକି ବୁଝିଲ? ଭଲ ଦେଖ, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ, ଚିତ୍ରଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ତୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ବୁଝାଇଲି। ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ମାନେ କ'ଣ, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏଲ୍ ଟୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, କ'ଣ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ତୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଟା କେମିତିଆ ନା କିଛି ଏଇଭଳିଆ କହିଥିଲି, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ କହିଥିଲି ନା ନାହିଁ, ଚିତ୍ରଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, କ'ଣ ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ, ଚିତ୍ରଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝାଇଲି। ଏବଂ ଏଠାରେ ହେବ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସଦାବେଳେ ବାହାରିବ, ଏ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖ, ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ କଥାଟା କ'ଣ ନା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ସମାନ୍ତର, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏଲ୍ ଟୁ ରେଖାଦେ କ'ଣ ହେବେ ସମାନ୍ତର ହେବେ, ତୁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଥିଲି ଚିତ୍ରରେ ନା କହିନି, ଏମିତି ଚିତ୍ର କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳ ରେଖା ଦେବ ସମାନ୍ତର ହେବେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହା ହେବ ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ଟି? ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ତୁମେମାନେ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ହେଲା, ତୁମେ ଏଇ ବକ୍ସଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ତିନି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଗ ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ହେଲା, ଚିତ୍ର ଉଇଥ୍ ଚିତ୍ର ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କଲି ଏଠାରେ, କାହିଁକିନା ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପରସ୍ପର ଛେଦି, ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ଛେଦି, ଚିତ୍ରଟା କେମିତିଆ ଏଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସରି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବାହାରିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ବାହାରିବ,
एवं सेकंड कथा है कौन ना ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू नट इक्वाल टू सी वन बै सी टू मैंने कौन ना एठार एक आउ अभिन्न एवं चित्रटा किसी ये भाया मैंने बुझेली संगत आउ निर्भरशील हे असंख्य समाधान बाहर जो समाधान तुमने कर सूत्रटा है कौन ना ए वन बै ए टू इक्वाल टू बी वन बै बी टू इक्वाल टू सी वन बै सी टू मैंने कौन ना समांतर एवं चित्रटा किसी ये भाया एगुड़ी कौन ना असंगत मानने समाधान बिलकुल हेब ना इम्पसिबल बुझेल तेणु ये पूरा भल भाव मैंने बुझार तेणु वन ए र ठीक अच्छे वन ए टोटल मुझ तुमको बुझेदेली तेन तुमने वन एटा को पूरा पूरा घर मानने घरे पूरा भल भाव प्राक्ट करदेव जदि भी किसी भी डाउट रही थी तेल मत कमेंट बक्स में कमेंट कर निश्चित भाव में क्वेश्चन आंसर क्लास कहीदे बुझेल एवं सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करदे सेकेंड चैनल लिंक रही डिस्क्रिप्शन में ना बुझेल ठीक अच्छे तो देख पे गोटे अनाउंसमेंट तुम्हें जे मु सेकेंड चैनल ठीक अच्छे सेकेंड चैनल लिख सेकेंड चैनल ना हूँ कौन ना विश्वनाथ सार एवं बर्तमान जो चैनल तुम देखु यहाँ हूँ बागदेव ट्यूटर है बागदेव ट्यूटर तेणु ए तुमने बर्तमान क्लास टी देखु तेणु मो जो विश्वनाथ सार अच्छी चैनल को जो तुमने सब्सक्राइब करना हो जाकि डिस्क्रिप्शन में लिंक रही सब्सक्राइब कर दियो कि यूट्यूब सर्च करके सब्सक्राइब कर दियो क्लास यही चैनल में मु तुमको मैथमेटिक्स कंप्लीट वीडियो क्लास एवं इंग्लिश पढ़ाए बुझेल मैथमेटिक्स कंप्लीट वीडियो क्लास इंग्लिश एवं साइंस भाव जो पढ़ेबी कि केवल मुझे विश्वनाथ सारे केवल मैथमेटिक्स आउ इंग्लिश एवं कंप्लीट वीडियो क्लास रेगुलर तुम्हारे अपलोड कर तुम्हें से देख एवं मेन चैनल लाइव क्लास है सहित हिस्ट्री जियोग्राफी तापर ओडिया एवं साइंस आउ संस्कृति ये क्लास गुड़ाक मेन चैनल बुझेल तेनाली जदि ये चैनल को सब्सक्राइब करना है तो जाए तुम्हें सब्सक्राइब कर दियो ठीक अच्छे तेणु तुमको कही व्हाइट बोर्ड तुमको बुझेबी तेणु फाइनाली व्हाइट बोर्ड लगेदेली कहीं बहुत पिछले कमेंट कले सार व्हाइट बोर्ड में बुझात फाइनाली मुझ व्हाइट बोर्ड आज आठ लगे रेगुला तुम्हारा थर क्लास बुझेल किसी भी आउ डेरी हेनी कहीं आउ अल्प समय परीक्षा तुमको रहा तेनालीराम जदि आज क्लास टी तुमको भल लगी थोड़ा निश्चित भाव क्लास को लाइक करा सहित सांग मानू सेयार करदेव जहाद्वारा से मैंने क्लास को देखिपारे बुझेल तेणु नेक्स्ट क्लास देखा थैंक यू।